नमस्ते एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस डूइंग। आज हम बहुत ही टेस्टी यम्मी केक बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम वाइट फ्लावर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल्क पाउडर हम लेंगे। योगर्ट, अब हम पाउडर शुगर ले रहे हैं। रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो यहाँ पे बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये हमारा आखिरी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होगा। यहाँ पे हम दूध ले रहे हैं और दूध डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमको बहुत ही क्रीमी टेक्सचर चाहिए, उस तरह से हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हम 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस ले रहे हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए, हमको बिल्कुल ऐसा बैटर तैयार करना है। यहाँ पे हमने टिन को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। में बैटर डालने के बाद अच्छी तरह से हम टिन को पैट करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। यहाँ पे देखिए, हमने पहले से ही कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के इसको प्री हीट कर लिया है और इसमें हम रख देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, पर ध्यान रखें विशल को बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें। धीमी आंच पे 30 मिनट्स के बाद हम स्पून टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा केक टोटली हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। वाओ, बहुत ही स्पॉन्जी बना है केक, बहुत ही टेस्टी बना है। एंजॉय।